कहते हैं नीम हकीम खतरे जान, लेकिन जब अस्पताल के सरकारी डॉक्टरों के द्वारा दी गई दवा से मरीज बेहाल और हलकान हो जाए तो आखिर ऐसे में बीमार मरीज और उनके तीमारदार अपने मरीजों को लेकर कहां जाए। ताजा मामला हरदोई का है, जहां चिकित्सक के इलाज से युवक की हालत बिगड़ गई। जिले अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। पीड़िता ईश्वरवती के पति बाबूराम के मुताबिक डॉक्टर के द्वारा दी गई गलत दवा खाने के कारण ईश्वरवती की हालत अचानक बिगड़ गई। वहीं कुछ मरीजों को गलत बॉटल लगाने के कारण उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। तो ऐसे में इस अस्पताल के लोगों को क्या कहें, क्या कहें इन डॉक्टरों को। सुनिए क्या कहना है बाबूराम का, जो है पीड़िता का पति, और साथ ही सुनते हैं कि क्या कहना है जिला अस्पताल के डॉक्टर का। आप टोटल मुझसे दवा ले गए थे सरकारी अस्पताल से, हर गए इनके दवा खाने के बाद हालत खराब हो गई। फिर वापस आए टोटल पर, वहाँ उन्होंने बोतलें चढ़ाई, कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद मुझे हरदोई के लिए रेफर कर। अब उनकी हालत कैसी है? हालत खराब है। ईश्वरवती नाम की महिला आई है, हाई ग्रेड फीवर में आई है और उसका इलाज किया जा रहा है इस समय। SPN 9 News के लिए हरदोई से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट।